मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं लगा रहा हूँ आरआरबी पीओ का प्री नंबर 9। ये टेस्ट बुक का है, 51,000 समथिंग बच्चों ने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने ये मॉक लगाया है तो अपना स्कोर डेफिनेटली शेयर करना, नहीं लगाया तो जाके पहले लगाना, फिर आप स्कोर शेयर करना। और हाँ, अपना रिव्यू भी शेयर करना कि मतलब आपका क्या लगता है आपको कि आरआरबी पीओ से कितना रिलेट करता है ये पेपर, कितना परसेंट चांसेस है कि आ सकता है ऐसा पेपर, वेदर वो रीजनिंग पोर्शन हो या क्वांट पोर्शन हो, जो भी होगा अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। मॉक को रिलेटेड ईजी है, टफ है, मॉडरेट है, जो भी है, मैं आपको वही मैच मॉक के लास्ट में आपको ये चीज़ बता दूंगा कि इसका मैंने लास्ट दिया था पेपर, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया है कि पेपर का लेवल कैसे आता है, ठीक है। बट लेकिन इस बार सेक्शनल टाइमिंग है तो आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बट हाँ, लास्ट के हिसाब से कंपेयर करके बता दूंगा कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, ठीक है। नॉट ये फिजिक्स साउथ है, कितना है 12 पेपर ना, 6 हो गया। ठीक है, WCS टू द लैपटॉप, ठीक है, WCS टू द लैपटॉप, यू 2% एल और जी, 2% एक्स और जेड, जेड नेक्स्ट, 2% एक्स और जेड इज नॉट नेक्स्ट टू वाई, एम्स इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम H, K N Z, K is not opposite. Yeah, number of person right of you, number of person right of you is equal to right of H. The person opposite J is 4 paces away. By use the second from one of the n, j sits to the right of j sits to the right of m n, so the w ye hai iske right mein jo hai, h ke right mein, iske right mein jo hai 4, h ke right mein 1 2, m 1 2, m तो एम के राइट में जे है, 1 2 एल इधर हो गया, एल और एच, एम के ये वाई हो गया, एक्स और जे ना, एक्स इधर, जेड इधर, वो है जेड का के नहीं तो के इधर, जी इधर, यू पी इधर, इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी एस, गलत हो गया यार ये, जे 1 2 ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 यू इधर हो गया, ठीक है, यू इधर हो जाएगा और यू के राइट में एच के, यू के राइट में एच के राइट में 1 2 एम इधर हो गया, एम के राइट में जे, राइट
जेड इधर होगा, एक्स इधर होगा ना, के इधर होगा, जी इधर होगा यार, एक सिली मिस्टेक, विद नेबर ऑफ जी एल और एम हो यार, बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इधर टू द लेफ्ट, एक्स और के, एच और वाई, यू और जी, डब्ल्यू और जे, एल और बी, डैश दैट इज द वन ऑफ द इमीडिएट राइट ऑफ के, राइट ऑफ के बी, H N U, H N U तो इजी था, एक सिली मिस्टेक, डिफरेंट मैकेनिकल, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो देख लेता हूँ बाद में, अभी छोटा के नहीं होता, के बड़ा सी बड़ा, एम एम इज बड़ा सी, ये हो जाएगा H N U बड़ा इक्वल टू H, पी एच तो नहीं हो सकता, पी एच बड़ा बी, पी एच बड़ा बी, ये हो गया, एन एच छोटा एस, एन एच छोटा छोटा ओ, ओ एस क्यू, क्यू एस एस, टी एस बड़ा आर, टी एस बड़ा ई, बड़ा एस, एस बड़ा क्यू, क्यू इज इक्वल टू आर, एन एच छोटा एस ना, एन एच छोटा एम, ओ ओ एस बड़ा नहीं हो सकता, अराउंड द नोटेबल ऑफ देम इनसाइड व्हेन अदर्स आर फेसिंग आउटसाइड, 9 ना, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 4 एफ इज पुल टू द राइट ऑफ ए, ए वो फेसेस इन इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ई फेसेस ऑपोजिट टू ए एफ और same direction, D is third to the right of H, C is second to the left of D, same direction, H जो है वो face करता है out, D is immediate neighbor और E और F same direction, same direction of A, G is not an immediate neighbor, C, I is out, A is in the 1 2 3 F, ये और ये बाहर, ये और ये हो गया बाहर, ये का बी प्लस अंदर, बी एरर अंदर, राइट एच के राइट में 1 2 H आउट है ना, 1 2 D, एच इज आउट 1 2 जी, और जी सी के साथ नहीं हो सकता, तो जी इधर, जी इधर, जी के लेफ्ट में सी, जी के लेफ्ट में सी, आई जो है वो है आउट, आई जो है वो है आउट, फोर ऑफ देम इनसाइड, 1 2 3 4 inside, baki sub outside, immediate left of A, G, second to the left of E, F, B or F, no one, between B or F, no one, yeah, third to the right of E, same respect to H, 2 3 4, 1 2 3, fifth to the right, 4 to the left, ठीक है, 6 box, 6 habits, okay, the position,
बॉटम पोजिशन बीइंग नंबर वन। ए कंटेन डोम्स एंड फेस इवन, ए इज डोम और जो ये है इवन, ओनली वन इज ए और डी, डॉट इज टॉप मोस्ट, डॉट इज टॉप मोस्ट, सेफ्टी जैकेट इज कैप पोजिशन इवन प्राइम, सेफ्टी जैकेट इवन प्राइम, सी इज कैप एट द बॉटम मोस्ट, सेफ्टी जैकेट इज आर नॉट डी, ये डी नहीं हो सकता, हो सकता है इस रूम, बॉक्स ई कंटेन मेडिसिंस, मेडिसिंस इज कैप बिलो वाटर बॉटल, वाटर बॉटल ई एस मैथ इस लोग के सबसे जैकेट बी हेलमेट, सी इज हेलमेट, वाटर बॉटल सेफ्टी जैकेट, वाटर बॉटल सेफ्टी जैकेट एक दो, बी और ई एक, ए इज टॉर्च, ए इज मैप, इज हेलमेट, ई इज ई इज रोड, ई इज सेफ्टी जैकेट, डी इज टॉर्च लाइट, 10% डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, सी एल जी A D G M D G M S G M C M S M manager P O clerical 4 8 9 10 10 है, ठीक है, B is 7% senior to C, B is 7% senior to C, only 1% eligible C, or E number person junior to E is 1 less, person D or A, only 2% is D or A, H is just senior to G number 2, number person junior to G is same as senior to F, he is not immediately senior to I is senior to J. B 1, 2, 3, 4, 5, 6, C. Is B or C, E1, 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 E, नीचे 1 2 1 2 3, D 1 2 3 1 2 3 4, D 3 4, 1 2 3 4 5, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, H इधर तो नहीं, H और G इधर तो नहीं हो सकता, तो H और G इधर होगा, ठीक है, F और C, C के नीचे C के नीचे F, H और G, D, A1 to A, इसमें भी नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 8 9 1, पर हाँ हो सकता है 0, तो ये 1 उधर हो जाएगा, ठीक है, G I S J, F or G, F or G, 1 2 3, F B D F I H G C J E D, manager C, आ गया,
पर्सन जूनियर टू एच चार हमने डेजिग्नेट जे और डी तीन छः shortest distance between E or A na DS then will do not of A which can be the east then reach B now turn right by turn left thus open the north shortest distance E or A B is 425 17 ये हो गया ना E with respect to C north east हो गया X is 10 west of E X और C 10 ठीक है some museum are bank some bank are not college no museum is some bank can be college some bank can be college some bank are can be houses all museum are not college all museum are not ऐसा नहीं है वन एंड टू वन इज मैकबुक इज वन ठीक है ओनली फ्यू इंग्लिश इज फ्यू इंग्लिश इज रीजनिंग सब इकोनॉमिक्स English economics all reasoning can be English all reasoning can be English some MacBook is not no MacBook is economics no MacBook is economics ये नहीं है तो one and two follows no carrot is red क्या बोला इसने फाइव मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फर्स्ट एंड सेकंड थ्री फाइव सिक्स वन और सेकंड सेकेंड लेटर एल आई आई तो हो सकता है इफ मोर देन वन वाई शायद है ऐसा वर्ड इन इंग्लिश डिफरेंट कॉलेजेस स्टडी डिफरेंट कॉलेजेस ठीक है मैकेनिकल इज
एबीसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है। डब्लू स्टडी इन कॉलेज भी विद ओनली टी में सिर्फ टी एंड डब्ल्यू पी एंड जेड यूनिवर्सिटी स्टडी सेम डिसिप्लिन बट नॉट इन बट नॉट इन पी और जे बट नॉट इन इज नॉट बट नॉट इन इलेक्ट्रिकल तो पी और जेड टी इसमें ठीक है। आर मैकेनिकल सी आर मैकेनिकल सी विद बी विल स्टडी इलेक्ट्रिकल विद बी इलेक्ट्रिकल एस मैकेनिकल एंड इज नॉट सेम कॉलेज विद आर एस इज मैकेनिकल एंड इज नॉट सेम कॉलेज विद एस आर शुड टू जस्ट स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स does not study electronics one two three one two three D W six seven eight U या तो इसमें या तो इसमें W इलेक्ट्रिकल है ना क्यू स्टडीज ऑफ स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स तो क्यू अगर इलेक्ट्रिकल इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है करेक्ट सी आर इलेक्ट्रॉनिक्स ए जेड इलेक्ट्रिकल बी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल और फॉर यू स्टडी मैकेनिकल एस टी और R, R और S, P और W, S और T, Z और Q. B studies dash in college. B study electrical in C. Study electrical in college B. Three generation and two married couples. Three generation. R is the sister. W is the R is the sister of W. W is unmarried. Q has no sister. That is the daughter-in-law of Q. Q is a sister-in-law. Z is daughter-in-law of Q. Z is the daughter-in-law of Jet is the Jet is the daughter-in-law. Jet is the daughter-in-law of Jet is the daughter-in-law of Q. Q is the sister of R. S is the nephew of R. S is the nephew of R. Y has only one child. Nadi is the maternal aunt of the grandson of Y. Y has only one child. Y has only one child. He is the maternal aunt of B. नहीं होगा यार टाइम खत्म हो जाएगा 18, 5, 12, 1, 20, 9 नौ हो गया ये नौ हो गया ये हो गया 15, 14, 19, 8, 9, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
पांच मोर देन फोर फाइव बहुत घटिया जाने वाला लग रहा है मुझे। ये क्या है रोटेन एंड अरे मैंगोस इन ठीक है ए बी सी रोटेन रेप ये हो गया टोटल ठीक है टोटल नंबर ऑफ ए एस हजार रोटेन एंड रेप मैंगो इन ए रोटेन इज मोर देन रेप Rotten plus rip is major rotten minus rip is 25 भी हो जाएगा टोटल में टोटल इन ऑल थ्री इसकी नजर वन ये हो गया 900 टू थ्री 600 79 ओके टोटल नंबर मैंगो इन बी नॉटन एंड रेस्पेक्टिवली इन ए आठ नौ दस सत्रह अठारह परसेंटेज रिपिन सी फाइव फाइव फोर फाइव फाइव बीस बाईस रोटेन इन ए रिपिन बी रोटेन इन ए रिपिन बी 50 ठीक है ये कितना हो गया ये हो गया 35% और ये हो गया 3/2 28
डिजिटल 203 85 15 18 ये हो गया ठीक है, 16 3 36 ये हो जाएगा 729 464 339 464 ये हो गया, ये हो गया 4 तीन तीन चार पांच हो जाएगा, फिर तीन तीन चार पांच इधर हो जाएगा ना, 4 9 8 9 1 9 4 4 4 इधर हो गया, 4 2 24 4 ये सही है, ट्वेंटी सिक्स 3 by 2 39 1 39 ये हो जाएगा, 78 2 16 14 15 ये हो जाएगा, 15 8 9 27 3 9 32 4 16 16 12 ये हो जाएगा, 18 3 2 4 3 2 4 तो ये हो गया 700 700 तो ये हो जाएगा ओके, 1 9 6 हो गया 7। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, टोटल बुक्स पोएट्री प्लस फिक्शन, पोएट्री फिक्शन ऑल द शॉप टुगेदर इस 3000 ठीक है, 3000 डिफरेंस बिटवीन हाँ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इतना भी कैलकुलेटिव स्टूडेंट मेल्स इन डिफरेंट स्ट्रीम मेल्स ग्रेजुएटेड हाँ ये पहले कर लूंगा ठीक है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस टोटल मेल और फीमेल वन 125 ये हो गया 75 ये हो गया 100 175 134 मेल ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल एंड फीमेल कंप्यूटर साइंस मेल इलेक्ट्रिकल फीमेल कंप्यूटर 555 535 11 सम बोला है ना 2 3 450 है मेल ग्रेजुएटेड इन इलेक्ट्रिकल एंड 2 3 450 300 350 400 ठीक है अच्छा 225 2 2 3 3 400 250 300 हो गया ये फीमेल इन मैकेनिकल फीमेल इन मैकेनिकल व्हाट परसेंटेज मोर फीमेल इन इलेक्ट्रिकल 60% ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट मैकेनिकल एंड 80% ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन मास्टर डिग्री मैकेनिकल एंड सिविल 460 एवरेज हम ग्रेजुएट मेल ग्रेजुएट मेल एवरेज एंड द एवरेज ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ग्रेजुएट मेल एंड ग्रेजुएट फीमेल इन मैकेनिकल मैकेनिकल एंड कंप्यूटर बचास 50 50 50 50 50 ठीक है और रिकमेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इन मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस सिविल
सबसे पहले ये देख लूँ, ठीक है, 7 इधर हो गया, 15 इधर हो गया, 60 15 इधर हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5, ये इसमें 20 हो जाएगा ना, 14, 21। ये कितना है, ये हो गया 2, 6, ये हो गया 14, ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया 1, 1, 2, अपना 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 10, ये क्या, 5, 10, 15, 20, दो नहीं हो सकता ना, 2, 3 नहीं हो सकता, ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 12, ये हो गया 20, 8, 8, 28, ये हो गया, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 12, 4, 5, 6, 72, 6, 8, 10, 30, प्लस 1 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 16, ठीक है, प्लस 25 माइनस 36, बी सी डी ई एफ पोएट्री आर मोर देन फिक्शन, टोटल पोएट्री और फिक्शन कम है ना, ठीक है, 3000 है ना, ये टोटल जो है ये हो गया 3000, ओके, 3000 ये हो गया, 3, 400 ये हो गया, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 26, 200, ये हो गया 275, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये हो गया 700, 200 ना 200 इधर 825 ये होगा, ठीक है, पोएट्री इज मोर देन फिक्शन, 160, 180 इधर हो गया ना, पोएट्री इज मोर ना, 40 यहाँ जाएगा, 160, 225, 175, 175 ये हो गया, 200 ना, 200 यहाँ से ये हो गया, 160 इधर जाएगा, 440, 220, 280, 100, 600, 300 इधर हो जाएगा, 125, ये हो गया 7, ये हो गया 5, 450, 2, 5, 2, 6, 7, 8, ठीक है, फिक्शन बाय ई इज व्हाट परसेंटेज, पोएट्री बाय एफ 250, फिक्शन बाय ऑल शॉप, अरे यार 155, 320, 525, 10, 10, 8, 9, 10,000, ये हो गया 1000, तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है, पोएट्री बाय ए और बी, पोएट्री इन्फेक्शन बाय ई, तो एक एक
नंबर ऑफ पोएट्री बाय ए और बी 400 B 7 1 6 2 ए और बी पोएट्री ए और बी 400 B's नंबर ऑफ पोएट्री पर सेक्शन ई ई इधर हो गया ना 7 1 7 7 6 2 3 2 5 3 2 5 या क्या मतलब ई एंड डी टुगेदर रिस्पेक्ट रिटर्न टू शॉप देन हमें रिटर्न बुक्स एवर 1% मोर और लेस पोएट्री और फिक्शन सी और डी 420 सोल्ड हुआ था जिसमें से 84 रिटर्न हो गया 4% मोर और लेस देन द फिक्शन बाय ए 4:5 पोएट्री एंड फिक्शन सोल्ड बाय सी Answer to 20 more poetry than D. 500 and less than B. Fiction. 45 is much more or less by poetry by F. Poetry by F. Less than 2 more linge. 55% of Chinese book. ठीक है द कैलकुलेटर है एवरेज स्कोर ऑफ 62 in 9 इन ऑफ 10th इनिंग टू रेस रेवेन्यू इज ठीक है 6400 10 400 हो गया टाइम ज़्यादा लग गया इंस्टीट्यूट ऑर्डर 15 हाफ एज लॉन्ग टू स्विम डाउन स्ट्रीम मार्क्स आर्टिकल टू डेवलपर एप्लीकेट टू बी सोल्यूशन व्हेन द कॉस्ट प्राइस Thank you.
7200 लॉस या प्रॉफिट होगा। दो फिर भी गलत हो गया, एक एक दोनों में हो गया शगुन की तरह। एक इसमें दैट फेस द वन हु सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ के, राइट ऑफ के इमीडिएट राइट ऑफ इमीडिएट राइट टॉप वाई है। क्या कर रहा हूँ मैं, वी क्यों टिक किया मैंने, पता नहीं जान बूझ के गलत से क्या कर रहा हूँ मैं, भगवान जाने। ये मेरे को आंसर नहीं मिला था। ओके ठीक है, आपको मुझे 16 3x इधर हो जाएगा, 36 इधर हो जाएगा, 729 ये हो जाएगा, 64 इधर हो जाएगा, 33 इधर, 4 इधर हो जाएगा, 94 इधर हो जाएगा, 44 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया यार। छी सिली मिस्टेक्स, पता नहीं क्यों इतना मजा आता है मुझे करने में। तो गाइस ये मेरा 60.5 मेरा स्कोर आया, 63 मैंने अटेम्प्ट किया था, परसेंटाइल गिर गया 96.23। पता नहीं क्या हो रहा है ना, मतलब मैं ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता ना, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बोला है जा भाई एक दो तो गलत करके आना, जानबूझ के गलत करके आना बट करके आना, ऐसे ही लग रहा है मुझे। मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा हूँ भगवान जाने। ठीक है, सिंपल सिंपल, ऐसे मैं गलती करता नहीं हूँ हमेशा, यूजली मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के सर गलत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पेपर इजी था, मैं टफ नहीं बोलूँगा, पेपर सही लेवल का था। ठीक है, कुछ कुछ पजल थी, एक आध पजल थी जो थोड़ी सी मतलब आपको लेंदी लग सकती है, ठीक है, अगर बट जिसने प्रैक्टिस करी है तो उसके लिए ठीक रहेगा वो। ओके, और मतलब पजल का लेवल ठीक था, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि एकदम ही मॉडरेट, मतलब एकदम ही टफ था, एकदम मॉडरेट मतलब ठीक था, मतलब आप इजी से मॉडरेट के बीच में रह सकते हो। मेरी इमेजिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इमेजिंग थोड़ी अच्छी है, तो मैं उन बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ठीक ठीक लगी, टफ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। देखो अगर जो मेरे टफ होगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा टफ ही होगा, तो मुझे थोड़ा ठीक ठीक लगी, मॉडरेट से थोड़ा कम ही लगा मुझे। ठीक है, वन भी मुझे इजी लगी, ठीक है, मैं टफ की बिल्कुल बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक पजल था तो कैलकुलेटिव भी क्या ही था वो, कुछ कैलकुलेटिव नहीं था, सिंपल सा था वो। ठीक है, बाकी मेरी गलती है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में, मैं थोड़ा गलती करते रहा हूँ यहाँ वहाँ, तो मुझे वही इम्प्रूवमेंट करना है। अभी मॉक लगा ही रहा हूँ रेगुलर, देखते हैं। ठीक है, अभी तो मेरा 96.23% आया हुआ है, ये है मॉक नंबर 9। आपका इसमें क्या स्कोर बनता है डेफिनेटली शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।